हाँ बलेनो भी चलाई थी, पुरानी वाली और अभी नई वाली भी। नहीं नई वाली नहीं चलाई मैंने, पुरानी वाली चलाई थी। टोयोटो की, टोयोटो के लिए इसलिए गया क्योंकि सर्विस प्रॉब्लम मेन था, मेन इशू। पहले हमारी वैगनर थी, वैगनर थी आपकी, ऑल्टो भी एक, तो अभी स्टील वैगनर है कि बीएचडी? वो बीएचडी, इसके एवरेज अगर देखो अभी भी दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे को एवरेज कितने का दे रही है। गाड़ी भी स्मूथ है मेरे को कंपेयर टू बलेनो। हाँ मुझे भी ऐसा फील हुआ क्योंकि ये जो थर्ड अगर आप यहाँ पे लगाते हैं पिचकते हैं, लेकिन बलेनो के उससे पुरानी वाली बलेनो की बात कर रहे हैं सिमिलर दिखने वाली, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं। गीजर तो काम का नहीं है, पर कभी गाड़ी कोल्हापुर पुणे साइड से आगे जाती है ना तो काम का आता है। वो काम का आता है। कहाँ तक घुमा के लेके आए हो इसको? बहुत जाके मतलब महाराष्ट्र छोड़ के आ गए नागपुर? अच्छा पुणे हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी जो गाड़ी आप सामने जो देख रहे हो भाई साहब, टोटली आपको फ्रंट हो चाहे रियर हो, आपको टोटल बलेनो ही लगेंगे, क्योंकि जैसे ही मारुति सुजुकी ने जो है वो टोयोटा के साथ पार्टनरशिप की हुई है ना, मतलब कोलैबोरेशन बढ़ गया है कि वही सिमिलर प्लेटफॉर्म में गाड़ियां बन रही है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, मतलब रियर साइड और फ्रंट साइड से आपको सिमिलर ये आपको जो है वो मारुति सुजुकी का प्लेटफॉर्म नजर आएगा। सिर्फ एक हाथ आपको लोगों का फर्क आपको मिल जाता है जो भी आगे हो चाहे पीछे हो। अब ये टोयोटा ग्लैंजा जो है वो उसी सेम प्लेटफॉर्म में बनी हुई है जैसे कि जैसे मारुति सुजुकी के प्लेटफॉर्म में वही गाड़ियां बन रही है। अब यही है जो बात करते हो तो वही सिमिलर जो है आपको पावर 98 बीच पर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है पेट्रोल इंजन में, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो कोई सा भी फर्क नहीं। अब जैसे कि जैसे अल्फा जो है वो सिग्मा जो है वो बेस वेरिएंट जो है वो सिग्मा होता है मारुति सुजुकी में, वैसे के वैसे इसमें जो है वो जी वेरिएंट सेकंड टॉप एंड वेरिएंट दिखाई पड़ता है। अब आज की रेट में जो है वो ग्लैंजा अर्न करते हैं जो भी टोयोटा की जो भी बलेनो भी ले सकते थे उसी प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि जो ओनर है वो बेसिकली इस जो है वो टोयोटा ग्लैंजा के जो बलेनो के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि सर्विस अगर टोयोटा की अगर बोलते हो तो टोयोटा से ज़्यादा रिलायबिलिटी और जो है वो रीसेल वैल्यू मारुति सुजुकी को जानी जाती है। अब ये जो ओनर है 2-2.5 साल यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि आगे हो चाहे पीछे हो गाड़ी देख लो, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लीन और नीट रखे, तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते उनके साथ मिला देते हैं, उनकी थोड़ी सा जो है ऑनेस्ट रिव्यू एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। इस मारुति सुजुकी के अभी मन में भी आ रहा है देख लो, क्योंकि सिमिलर ही बलेनो का प्लेटफॉर्म नजर आता है, तो टोयोटा ग्लैंजा के ओनर के सबसे पहले मिला देते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, सबसे पहले जो है वो टोयोटा ग्लैंजा के जो है ओनर जो है उनसे मिला देते हैं। तो हमारे चैनल में स्वागत है, लिटिल इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, क्या करते हैं बेसिकली, नाम क्या आपका? माय नेम इज आदित्य तांबे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य तांबे है। आदित्य तांबे जी, कब ली थे टोयोटा की ग्लैंजा? ली थी सितंबर 2000 में। सितंबर 2000 में। अब मेरे को एक बता ऑनेस्टली, अब ये जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी की अगर कोई सा भी बंदा जिसको नॉलेज नहीं है गाड़ी का उठा के डाल दिया जाए, वो अगर बोल दिया जाए तो सिमिलर ही जो है वो बलेनो जैसी ही लगती है, मतलब चाहे आगे हो पीछे कोई भी फर्क नहीं। और कुछ कुछ लोगों के हॉनेस्ट ओपिनियन ये उसी प्लेटफॉर्म में मारुति सुजुकी के बनी हुई है, क्योंकि फ्रेंचाइजी जहाँ पे की हुई है टोयोटा और मारुति सुजुकी ने। अब आपके रिव्यू क्या है ये इस गाड़ी को लेके? बलेनो आपने चला के रखी है? हाँ बलेनो भी चलाई थी, पुरानी वाली और अभी नई वाली भी। नहीं नई वाली नहीं चलाई मैंने, हाँ पुरानी वाली चलाई थी। हाँ टोयोटो की, टोयोटो के लिए इसलिए गया क्योंकि सर्विस प्रॉब्लम मेन था मेरे को, मेन इशू। हाँ मेन इशू, क्योंकि पहले हमारी वैगनर थी, वैगनर थी आपकी, ऑल्टो भी एक, तो अभी स्टील वैगनर है कि बीएचडी? वो बीएचडी पर, और उससे ये शिफ्ट कर दिया आपने। सुजुकी का पहला बहुत मतलब सर्विस का बहुत इशू हो रहा था टाइम, सुजुकी का क्या बातें कर रहे हो, इधर हो रहा था मतलब इस साइड जहाँ पे आप रहते कहाँ पे? आप सिंधुदुर्ग में प्रॉपर रहते हो, तो बहुत मैंने लोगों के गाने सुने जहाँ तक कि मारुति सुजुकी की सर्विस है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी सर्विस के मामले में हो, चाहे टोइंग के मामले में हो, चाहे गाड़ियाँ बहुत जल्दी जो है वो रिलायबिलिटी मेरे को टोयोटा में बहुत ज्यादा लगी, रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में मेरे ख्याल से टोयोटा से ज्यादा हाथ जो है लाख गुना जो है सुजुकी का है, मेरे को ऐसा बहुत लगता है। अब ये होते हुए भी आपने एक रीसेल वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मारुति सुजुकी की गाड़ी को होती है कंपेयर करते हुए ग्लैंजा से बलेनो को, तो ये देखते हुए भी आपने जो है ग्लैंजा उठा दी। ऑन रोड कितने में पड़ी थी उस टाइम? ऑन रोड हमने क्योंकि पहले ऑल्टो बेच दी थी, ऑल्टो रिप्लेस की थी इसके, इसके लिए, तो ऑन रोड हमें 7 लाख समथिंग 7 लाख तक पड़ी, समथिंग सेकंड मॉडल मतलब सेकंड टॉप मॉडल। अभी इसमें ही जो बलेनो अल्फा सिग्मा वगैरह सब कुछ आता है, अल्फा टॉप एंड आता है, तो उसका जो है वो जेटा मॉडल अगर मान लो, हाँ वो एग्जैक्ट। अब ये भाई ये क्या हो रहा है, कैमरा में नहीं देख रहा, ये क्या बिल्ली ने किया कुत्ते ने किया? अच्छा झाड़ियों के यहाँ पे जो है स्क्रैचेस बहुत ज्यादा स्वेल मार्क्स पड़े। अभी इसमें जो है वो ये भी हो सकता है क्लीनिंग वेलिंग भी यहाँ पे, ये जो है वो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज्यादा पड़े। अब एक बात करते हो एज अ ओनर, अगर आप टोयोटा की जो है ग्लैंजा अर्न करते हो, अब टोयोटा का प्रोडक्ट है तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज मैं हमेशा पूछता हूँ, सिमिलर ही प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी की बलेनो चाहे ग्लैंजा हो, सिमिलर ही वर्क करते हैं एक ही प्लेटफॉर्म में, थोड़ा एक आध दुख का फर्क लगा हो आपको जो है डिफरेंस लगा हो इस गाड़ी में चलाते वक्त? पिकअप में थोड़ा सा लगा मेरे को, पिकअप में। अब इसका क्या ख्याल है मेरे को बता, पिकअप में तो लगा, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा तो मुझे तो लगता है मारुति सुजुकी की सब मच बेटर है बिल्ड क्वालिटी, थोड़ी सी है बेटर, थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे
2025 वाली बलेनो की, अगर ये अभी आप ग्लांजा तो नहीं आ चुकी है, बलेनो जैसी है सिमिलर, तो ये वाली बिल्ड क्वालिटी बहुत लोगों के थोड़ा, ये थोड़ा हेवी लगता है मेरे को कंपेयर टू बलेनो। हाँ, मुझे भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि ये जो थर्ड अगर आप यहाँ पे लगाते हैं पिचकते हैं, लेकिन बलेनो के उससे पुराने वाली बलेनो की बात करते हैं ऐसी सिमिलर दिखने वाली, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं, ये मैंने फील किया है। तो आपको वो वही सिमिलर जो है वो दिक्कत लगी क्या? तो इसमें थोड़ी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेटर है, पत्थरा भी थोड़ा बेटर है। मेरे को जो जो डीलर मिला था ना भी बहुत सही था, एकदम बहुत कम दिनों में गाड़ी दे दी उसने उनके। और मेरे को बताओ, अभी सर्विस तो आपके फिलहाल हो चुके पूरी की पूरी, तीन सर्विस हो चुके, तीन सर्विस का एक्सपीरियंस बताओ अपने ऑडियंस को। टोयोटा एक गाड़ी देता था मेरे को, एक डेढ़ घंटे में गाड़ी मिलती थी, डेढ़ घंटे में। और आप जब जब ली थी गाड़ी, तब आपने एक इसके सिमिलर कोई सा भी बंदा दूसरी गाड़ी ऑप्शन 1.2 लीटर देखता है, कौन सी देखी थी? बेशक आपने जो बलेनो देखी थी, नहीं नहीं i20 नहीं आई थी, नई वाली i20 देखी थी भाई साहब। उसका जो है वो ऑन रोड कॉस्ट 9-9.5 लाख के ऊपर जाता है, और आपको सही लगता है एक 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 हैचबैक के लिए इतने पैसे वेस्ट करना? मेरे को वो डील सही लगी, क्योंकि ऑल्टो भी हमारी 10 साल पुरानी हो चुकी थी, मेरे को ऑल्टो का रीसेल वैल्यू भी बहुत मिला था ऑल्टो का, क्योंकि ऑल्टो एवरग्रीन है। कौन सी वाली थी, थर्ड जनरेशन की, पुराना वाला के सीरीज? नहीं नहीं, बीच वाली नहीं, के सीरीज नहीं, सबसे पुराना वाला 800। हाँ, सबसे पुराना वाला 800, उससे शिफ्ट को के यहाँ पे आवे 1200 से। डील बहुत सही मिली थी, 7 तक मिल रही थी, इसलिए मैंने। भाई गाड़ी में तो बैठ जाओ, कैसे लगता है, फील तो करो गाड़ी अंदर। भाई सब बहुत फर्क है मारुति सुजुकी, मैं सच में बता दो 1920 का फर्क है, 19:20 रेशियो पकड़ते हो ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, लेकिन बंदों को कुछ कुछ यकीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वगैरह अगर देखते हो ना तो मारुति सुजुकी बलेनो से थोड़ी सी इंप्रूव है। अगर बलेनो पुरानी वाली अगर उठाते ओल्ड वाली, तो यहाँ पे ये जो आपका मटेरियल अंडर इंटीरियर चाहे पे, ये थोड़ा पिचक जाता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, लेकिन ये वाली गाड़ी में तो फील तो है यार। आपकी गाड़ी भी काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रखी है, ये तो मुझे बहुत फर्क लगा इस गाड़ी में, मतलब वो हो ही गया था एकदम, प्यार सा हो गया इसी गाड़ी के गाड़ी में। हाँ, और ये जो है वो आपने बिठवाई अगर अलग से स्क्रीन, वही आती है ये सब, बाकी कुछ भी बात। अब उस टाइम जो है वो बलेनो आती थी सेकंड टॉप एंड, उसमें ये टच स्क्रीन भी नहीं देते थे, उसमें सिर्फ बटन आते थे और सीडी प्लेयर वीडी प्लेयर आता था सेकंड जेटा में, अब से वो देने लगे। अब एक बात बताओ, नई वाली आपने कहीं ना कहीं जो है, मैं उधर साइड आता हूँ, अंधेरा आ रहा है, यहाँ पे जो बलेनो जो ऑन करते हैं जो ओनर, उनका रिव्यू तो काफी जबरदस्त है यार उस गाड़ी के साथ। आप एक बार बात बताओ, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको पुश स्टार्ट बटन वगैरह सब सेकंड टॉप एंड में मिल जाता है, अब ऑटोमेटिक भी उसमें आती है जैसे कि जैसे ऊपर जाते हो। अब ये नॉन सीएनजी है कि सीएनजी वाला है? नहीं नहीं, नॉन सीएनजी। आपको प्योर पेट्रोल ही चाहिए था रिलायबिलिटी वाइज, और इसके एवरेज अगर देखा अभी भी दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे को एवरेज कितने का दे रही है। गाड़ी भी स्मूथ है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी इंजन भी है वो के सीरीज लिख के नहीं आता है, उस टाइम नहीं आता था, अभी K15 इंजन आ रहा है उसमें लिख के सीरीज का, मारुति सुजुकी का, लेकिन काफी स्मूथनेस है यार। अगर बात करते हो थोड़ी सी एम्बियंस नॉइस जो है ना वो बलेनो से कंपेयर, बलेनो बहुत ज्यादा साइलेंट है गाड़ी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर बात करते हो ठीक है। एवरेज देखो कितने की दे रही है, कितने की माइलेज अभी जो है वो दे रही है 20 KMPL की पेट्रोल में, भाई पेट्रोल जबरदस्त है। सिटी में चला रहा हूँ, सिटी में, और ऐसा नहीं कि आपने एवरेज स्पीड कितने 85 किलोमीटर के ऊपर 100 ये मेरा 20 का एवरेज पूरा ओवरऑल 20,000 किलोमीटर का है। हाँ, अभी अगर आप जैसे हाईवे में जाते हो पंजा पैर दबता है गाड़ी थोड़ी है, एवरेज स्पीड से चलाते हो ट्रिपल डिजिट भी मार चुके हो। मैं पूरा फ्यूल इकोनॉमी वैसा देख के गाड़ी चलाता हूँ, जब हाईवे पे जाता हूँ ना 100 प्लस जाती है गाड़ी आराम के साथ, 100 प्लस जाती है, पर मैं कॉन्फिडेंट कहाँ तक रहता है आपका इस गाड़ी में, 100-110 तक 120 तक कॉन्फिडेंट? बाहर तो उतरो भाई, अंधेरा आ रहा है, गाड़ी गियर में डालो। ओके, एक बात बताओ, ये सबसे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बलेनो और पुरानी वाले रेस में, ये उसी के साथ कंपेयर होती है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे कंपनियाँ, वैसे वैसे जो ये जो है वो थोड़ा मटेरियल जो है वो लूज होता जा रहा है, ऐसा फील आ रहा है आपको? क्योंकि स्विफ्ट में देखो, अभी मारुति सुजुकी ओल्ड स्विफ्ट में और इसमें फर्क है, बहुत लाइट है ये, बहुत लाइट है। हाँ, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। अब एक बात बताओ, सबसे बढ़िया बात ये जो है वो आपके इंजन के साथ वारंटी वगैरह सब कुछ, एक साल की तो वारंटी मिलती ही मिलती है, उसके बाद सर्विस में वो जो है वो आपको क्या दिया था पैकेज? 3 साल का दिया था पूरा, पूरे 3 साल का, मारुति सुजुकी में वो भी नहीं मिलता, एक साल का देती है, 3 साल का दे रही है। अब एक बात बताओ, एज अ ओनर आपको ऐसा लगता है कि ये जो है वो गाड़ी अभी कितने साल आपने रखी हुई है? अभी 3 साल हो गया। 3 साल में कितने किलोमीटर आपने फिलहाल चलाई? 34,000 ऑलमोस्ट। आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मारुति सुजुकी अगर लेता मैं तो, अगर ये बाद में इन फ्यूचर अगर सेल कर लेता तो 5 साल में उससे, इससे ज्यादा तो मारुति सुजुकी में ट्रस्ट ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत पुरानी और ज्यादा सबसे सेल उसके ज्यादा है, तो ऐसा उधर लगता है कि इससे ज्यादा मुझे पैसे ज्यादा मिलते हैं इन्फ्लेशन अगर तो मिलते हैं, पर मेरे को वो रिलायबिलिटी वो यहाँ पे लगती है आपको, ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे लगता है। हाँ, जैसे कि जैसे अभी अगर अभी जो बलेनो आ रही है उनके अगर लोगों देखोगे या फिर ग्रैंड विटारा जैसे है, जैसे हाई क्रॉस हाई राइडर देखोगे तो उनमें जो लोगो है वो मैट कलर के आ रही है,
ये तो उसमें लोगो चेंज है, लेकिन फॉर्च्यूनर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की बात करते हो तो उनमें जो है वो ऐसे लोगो आ रहे हैं, लेकिन ये जो गाड़ी आपकी जो है वो पुराने लोगों को मिलती है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये जो है वो आपको पता नहीं होगा एज ए यूज़र एज ए कस्टमर, तो बहुत करते भी है ये लोग। अब एक बात बताओ भाई साहब, जहाँ तक की ये बात है इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की, जैसे 80 ऊपर पार पड़ जाती है, जैसे मैंने बलेनो भी चला करके, आपने भी चला की होगी, तो बलेनो से इसमें कॉन्फिडेंस आता है आपको कि बलेनो में? इसमें ज़्यादा आता है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज उससे थोड़ी सी हिलती नहीं है गाड़ी, ज़रा भी सी हिलती नहीं है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो ये जो है वो 17 इंच के टायर में आपको प्रोफाइल मिल जाते हैं, ये जो 195/55 वाले 16 इंच, और टॉप एंड में जाते हैं वो 17 इंच मिल जाते हैं आपको 17 इंच, और ये डायमंड कलर अलॉय व्हील्स ये पूरे के पूरे आते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको ये थोड़े ये जो है वो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग है वो टॉप एंड में पूरे है, जैसे कि जैसे इसके जो है वो वी में जाते हो तो वी में आपको पूरे डायमंड कटेड आपको मिल जाते हैं, जो भी पीछे और आगे आपको शायद आपको ड्रम ही मिल जाते हैं। ब्रेकिंग भाई बताओ कैसी है? बलेनो से भी काफ़ी तगड़ी है। और आपने एक दो बात है, बिल्ली कुत्ता वगैरह से जो जहाँ पे आप पार्क करते हो वहाँ पे बहुत स्क्रैचेस वगैरह, यहाँ पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ होगी, निकल जाते पॉली से, निकल जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, पॉली एक पॉली से हाथ मार लोगे तो निकल जाता है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये रोल इंपॉर्टेंट है, इसमें पता करते हैं जो अगर रिसेल वैल्यू अगर बने, पिलर अगर डैमेज हो तो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है वैल्यू गाड़ियों की, ये तो बहुत दिक्कत। लेकिन ये माइनर सी चीज़ है, लेकिन जैसे आपने जो गाड़ी रखी होगी ना, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों के दोनों पैसे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में, जो भी आपको इसमें हाई क्रॉस या अगर ग्रैंड विटारा में भी नहीं मिल जाते, सेकंड टॉप में उस भी पढ़ना पड़ता है। अब ये स्मार्ट हाइब्रिड, इसमें बटन तो शायद नहीं आता, तो लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड, हाँ, अब एज अ यूज़र एक मेरे को बात बताओ, जहाँ तक ये बलेनो आपने ली हुई है, उसके बाद की जो बलेनो है, ये वाली यूनिट्स जो है, अभी मैं हमेशा सब ओनर्स को पूछता हूँ, ये यूनिट्स है वो मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी हो वो टोयोटा को भी दे रहे हैं, यही यूनिट्स डिजायर में आते हैं, वही यूनिट्स सियाज में आते हैं, वही यूनिट्स ग्रैंड विटर में हाइक्रॉस वही आते हैं, तो इसमें आपके थोड़े लिटिल लिटिल क्या जरा सोच है मुझे हमें बताओ जरा, कि ये थोड़े चेंज करना चाहिए था, क्योंकि जिस प्राइस के हिसाब से आप बैठते हो, जिस प्राइस हिसाब से आप जाते हो, ग्रैंड विटारा या फिर हाईक्रॉस जैसी गाड़ी 20 लाख रुपए लेती है, उसमें भी यही यूनिट्स अगर ये खोल दोगे सही यूनिट्स आते हैं, तो आप एज ए कस्टमर ये मानते हो, ये सोच रखते हो कि चेंज होना चाहिए, जैसे कि जैसे ह्यूंडई में जाते हो ग्रैंड आई टेन्योस और जो है वो अभी वाली वरना में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है उनके ह्यूंडई में, उनके टोयोटा में भी अभी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में जाते हो और फॉर्च्यूनर में जाते हो वही यूनिट्स आते हैं, अभी फॉर्च्यूनर भी आती है 60 लाख की और इनोवा क्रिस्टा आती है 30 लाख की, लेकिन डिफरेंस इतना नहीं है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, टोयोटा की जो है वो रिलायबिलिटी तो होती है इंजन वाइज तो बहुत है, लेकिन यूनिट और ये जो फीचर वाइज बहुत कम है, ये इसलिए वो मारुति सुजुकी की पार्टनरशिप कर रही है, आपको बात लगती है मन में? तो एज ए यूजर और कस्टमर कितने का ये क्या रखा है भाई, ओके पीडिया क्या रखा है? वो भी मेरे को पता नहीं यार, स्टार्ट से ही आया था। अच्छा ओके पीडिया, तो आपको भी आपकी सोच भी ओके से पॉजिटिव जा रही है, ओके पीडिया तो आपको भी ये जो आदत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी वाइज दिक्कत हो जाती है। फास्टैग वास्टैग लगवाए जहाँ पे आप रहते हो, काम का है कुछ फास्टैग? इधर तो काम का नहीं है, पर कभी गाड़ी कोल्हापुर पुणे साइड से आगे जाती है ना, तो काम का आता है वो, काम का आता है। कहाँ तक घुमा के लेके आए इसमें इसको? बहुत जाके आए, बहुत मतलब महाराष्ट्र छोड़ के आए, नागपुर, अच्छा पुणे की 3-4 पंजाब हरियाणा तक गुरुद्वारा तक यहाँ पे जा चुके हो? कहीं नहीं, बाहर नहीं गई, महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा 700-800 किलोमीटर तो ट्रिप मार चुके हो। कन्याकुमारी कन्याकुमारी जाने का यहाँ पे ट्रिप जो है वो लगाने का कुछ प्लानिंग है? तो ये चलो ये था अपना कुछ होनेस रिव्यू एक्सपीरियंस तांबे जी का, इस जो है वो टोयोटा ग्लांजा जो सिमिलर बलेनो की इस प्लेटफॉर्म में जो है वो आती है। तो ये था अपना कुछ ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस आदित्य तांबे जी का, वीडियो देख लिया बहुत बताने यहाँ पे टोयोटा ग्लांजा, थैंक यू सो मच।